वालेकुम। तो कैसे हैं मेरी प्यारी प्यारी YouTube फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से हम भी खैरियत से हैं जी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ईजी एगलेस चॉकलेट कप केक। चॉकलेट कप के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए जी, तो सारा कुछ मैंने लिख दिया है, तो आपको परेशानी नहीं हो। आधा कप हमें दूध चाहिए रूम टेम्परेचर पे, कोई भी आप ऑयल ले सकते हैं, फ्लेवर फ्री होना चाहिए। कॉफ़ी जो है वो आप ले लें, और थोड़ा सा गर्म पानी, अगर वो सॉल्व ना हो तो आप थोड़ा सा गर्म पानी करके उसको सॉल्व कर सकती हैं। ये जो चीनी है मैंने घर में पीसी हुई है, नॉर्मल जो चीनी हमारे पास अवेलेबल होती है उसको पीस लें। वनीला एसेंस सबके घरों में होता है, मिक्स 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 इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। वैसे तो चीनी बिल्कुल ही पीसी हुई है मैंने, लेकिन फिर भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। हमें इसको मिक्स करना है। अभी हमने डाल दिया सिरका। सिरका डालने से ये होगा, ये जो हमारा मिल्क इसमें डला है वो बटर मिल्क में कन्वर्ट हो जाएगा और बहुत अच्छा टेक्सचर आएगा। अब हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को शिफ्ट कर लेते हैं। 1.5 कप हमें मैदा लेना है, 1.5 हाफ टीस्पून हमें बेकिंग सोडा लेना है। सब चीजें मेजरमेंट करके लीजिएगा। बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट से ये होता है टेक्सचर जो होता है, टेस्ट जो होता है ना वो बहुत इन्हेंस होता है और बहुत मज़े का फ्लेवर आता है इससे। कॉफ़ी और नमक जो है ये बहुत जान डालता है बेकिंग की चीज़ों में। इसको अब हम मिक्स 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 कर लेंगे अच्छे से, ताकि ये सब चीज़ें जो हैं अगर कोई किसी कोने में रह भी जाए ना तो वह अच्छे से एक जान हो जाए जी। तब आप देखें इसका, आप टेक्सचर देखें, क्रीमी हो गया है बिल्कुल मिल्क का। अब हम 4 पार्ट में जो हमने सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे वो हम इसमें शामिल करेंगे 4 हिस्सों में। एक साथ कभी भी नहीं डालिएगा वरना उसमें लम्स पड़ जाएंगे। वैसे तो हम छान लेते हैं तो लम्स नहीं पड़ते, लेकिन कभी कभी पड़ भी जाते हैं, इस वजह से हम थोड़ा थोड़ा पार्ट टू पार्ट करके इसमें ऐड करेंगे। 4 पार्ट में मैंने सारा पाउडर इसके अंदर शिफ्ट कर दिया था, और अच्छे से इसको हमें मिक्स करना है। लेकिन मिक्स हमें सख्त हाथ से नहीं करना, अगर हम सख्त हाथ से करते हैं तो जो हमारी शुगर होती है वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है और वो बिखर जाती है हमारी बेकिंग की चीज़। बहुत नरम हाथ से हमें इसको खींचना है। इसी तरह से हम इसको, भले थोड़ा टाइम लगे लेकिन इसी तरह से हम इसको घुमाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। कलर आप देख लें जी। तो अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है हल्के हाथ से, और जब ये चेक हो जाएगा हमें देखना है कि इसका बैटर कितना परफेक्ट बना है। तो आप देखिएगा जब ये हनी की तरह ड्रॉप होने लगे, ये देखें, अब जब ये हनी की तरह ड्रॉप होने लगेगा तो आप समझ जाएं आपका बैटर बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। हमारा हो गया तैयार बैटर, अब हम इसको सेट करते हैं मोल्ड में जी। तो आप देखें, मैं आपको 2 तरह के ही बनाना बताऊंगी। एक तो मैं बना रही हूँ चॉकलेट चिप के साथ और चूल्हे पे, और एक मैं बना रही हूँ ओवन में। ये हमने पेपर लगा लिए हैं, आराम से अवेलेबल हैं, मिल जाएंगे आपको कहीं से भी। और एक मैं बनाऊंगी ओवन के लिए, ये वाला मैं चूल्हे पे रखूंगी। चूल्हे पे आप जो भी पतीला लें वो आप पहले प्री हीट कर लें, 5 मिनट्स तक उसको मीडियम फ्लेम पर रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है, जब आप चूल्हे पर बना रहे हैं जो भी देगची हो, जो भी बर्तन हो, उसके नीचे आप नमक बिछा लीजिएगा। एक दफ़ा आपको नमक लेने की ज़रूरत पड़ेगी, आप एक दफ़ा उसके नीचे नमक बिछा लें और बस उसके ऊपर आप बेक करें। जब आपको बेक करना हो आप वो नमक निकालें, उसमें डालें और आप बेक करें। नमक ख़राब नहीं होगा, आपका कलर चेंज हो जाएगा लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और कोई जो पानी का ऊपर आने लगता है उस सब से आपकी बेकिंग की चीज़ बच जाएगी। चलें तो अब मैं इसमें डालती हूँ, ये मैंने आइसक्रीम क्यूब जो होता है वो लिया है, उसके हिसाब से मैं इसको डालूँगी।
बहुत ज़्यादा हमें भरना नहीं है, थोड़ा थोड़ा हमें रखना है, बस कि एक आइसक्रीम क्यूब ही मेरा काफ़ी होगा। देखें बहुत ही अच्छे से हमारा बैटर तैयार हुआ है, परफेक्ट। और अब मैं इसको टैप करूंगी, टैप इसलिए करते हैं ताकि अगर इसमें कोई भी एयर बबल हो या कुछ भी हो वो फौरन निकल जाए जी। तो आप ये देखें, ये मेरे पास चॉकलेट चिप हैं, टोटली ऑप्शनल है ये, अगर आपके पास हैं, वैसे बहुत इजीली अवेलेबल हैं मार्केट वगैरह में, आप डाल सकते हैं, बहुत ही यमी बनता है, इससे टेस्ट ही अलग आता है, बहुत मज़े का टेस्ट आता है। बस ऊपर से हमारे थोड़े क्लियर नहीं होते, क्रैक हो जाता है, क्योंकि फिर ये जाहिर सी बात है ये होता है चॉकलेट चिप होता है उसके ऊपर, बहुत ही मज़ेदार से। चल ये वाला हम रख रहे हैं ओवन में, वो चूल्हे पे सॉरी, और जो हम सेकंड बना रहे हैं वो हम रखेंगे ओवन में जी। तो आप देख लें ये थोड़ा प्री हीट हो गया है, इसके ऊपर मैंने कैप किया हुआ था, अब मैं इसको खोल रही हूँ। जी तो ये स्टैंड आप रख दें, इसमें स्टैंड के बाद हम इसमें ये सेट कर देंगे ट्रे, और इसको हम कर देंगे कैप। इसको हमने रखना है जो भी टाइम प्रेशर, देखिए मैंने मीडियम पे पहले ही रखा हुआ था 5 मिनट, तो इतनी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जी तो ये वाले हमने सेट कर लिए हैं, अब हम इनको टैप करेंगे। बस टैप करने के बाद हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं ओवन में। जी तो मैंने इसको निकाल के रख लिया था 5 मिनट पहले ही, और अब ये नॉर्मल हो गए हैं, थोड़े हैं अभी भी गर्म नीचे से, ये देखें कितने अच्छे। जी तो अब हम इसमें से एक चेक करते हैं, क्या जबरदस्त तरीके से देखें बना है। देखें कितना सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा और चॉकलेटी के हमारा केक बिल्कुल तैयार है। उम्मीद करती हूँ हमें आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी, रेसिपी पसंद आए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम।